हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी होप आपका सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा जो आपने एग्ज़ाम आज दिया एंड जितना भी हमने करवाया था पी हो गया साइकोलॉजी की वहीं से पेपर आया था जो चीज़ें हमने आपको करवाई थी देखिए अभी मैं फिजिक्स का चेक कर रहा था क्योंकि मैंने बाकी वीडियोस भी बनाई तो इसका टाइम मुझे नहीं लगा क्योंकि जैसे जैसे टीचर्स मुझे आंसर की भेज रहे थे मैं वैसे वैसे अपलोड कर रहा था तो अभी जैसे मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई थी तो मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे डायरेक्टली वो आ गए थे यानी अगर मैं कहूँ तो ट्वेंटी फाइव मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के हो ही नहीं सकता कैंसिल हो जाए हाँ आपने नहीं पढ़ा वो आपकी गलती होगी चलिए चेक कर लेते हैं फर्स्ट था आपके पास आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जो आपके पास डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है डी इज़ द राइट आंसर

तो वर्क अपॉन चार्ज आपके पास चार्ज टाइम ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास कैपलर सेकंड लॉ कैपलर सेकंड लॉ हमें रिप्रेजेंट करता था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्योंकि आपके पास ये एरिया को रिप्रेजेंट करता था यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास यहाँ पे क्लियर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्क डन कैलकुलेट करना था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो राइट right आंसर हमारे पास बनेगा वो बनेगा वन जूल ओके वन जूल आपके पास राइट right आंसर होगा नेक्स्ट हमारे पास स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ तो विलोस्टी टाइम ग्राफ आपके पास एक्सोलेशन रिप्रेजेंट करता है ओके okay? एरिया की बात करें तो एरिया अलग हो जाते हैं आपके पास फिर ओके okay? क्योंकि एरिया में डिस्प्लेसमेंट बता देता है वो मगर अगर बात करें स्लोप की स्लोप आपके पास यहाँ पे एक्सलेशन रिप्रेजेंट करेगा क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ तो रेडियो एक्टिविटी के यूनिट है हमारे पास वन किलो वाट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू देखिए वन किलो वाट किसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास वो तकरीबन वन पॉइंट थ्री फोर हाउस पावर के बराबर होता है ओके नेक्स्ट है हमारे पास ओ कुली कैरी टेन के जी लोड ऑन हिज हेड मैंने आपको पहले ही कहा था वर्क डन अगर नाइन्टी डिग्री के ऊपर आप किसी भी चीज़ को ऊपर उठाएंगे तो आपके पास जो साइन नाइन्टी है वो जीरो हो जाएगा वहाँ पे ओके तो सॉरी कॉस है कॉज के साथ चलते हैं कॉस नाइन्टी आपके पास जीरो हो जाएगा तो एफ एस कॉस ऑफ थीटा में जीरो वर्क डन होता है ओके कोई पर्सन अगर आ, सर के ऊपर किसी लोड को उठाता है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा जीरो इज द राइट आंसर इफ़ टू साउंड वेव साउंडेस डिफरेंस सिक्सटी देन देयर सॉरी दे विल हैव अ पाथ डिफरेंस तो लैमडा पॉन्सिक्स इज़ द राइट आंसर टू गेट थ्री इमेजेस अगर आपको थ्री इमेजेस लेनी है किसी प्लेन मिरर में तो आपको उसको सिक्सटी डिग्री के ऊपर रखना पड़ेगा मैंने काफ़ी अच्छे से करवाया था ये भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर यानी कंडक्टिविटी क्या कर रही है इंक्रीज़ कर रही है तो देखिए सिर्फ और सिर्फ सेमी कंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर इंक्रीज करती है और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट हो जाती है यानी आपके पास राइट right आंसर कौन होगा सेमी कंडक्टर द सेल विच एनेबल अस टू डिस्टिंग कलर डिफेक्ट आ तो इट मे भी रॉड शेप भी हो सकता है कौन भी हो सकता है तो आपके पास अगर बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर बोथ रोड एंड कौन शेप हो सकता है मेरे पास ओके okay? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग फाइव रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है और इनको आपके पास कितने हैं व्हाट इज द मिनिमम रजिस्टेंस मिनिमम पूछा गया आपके पास तो आपको पता है पैरेलल में करें तो रजिस्टेंस आपके पास इतनी ज़्यादा नहीं आती है लेकिन सीरीज़ में करें तो रजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आपके पास आती है तो इसीलिए आप इसको पैरेलल में भी देख सकते हैं एंड सीरीज़ में भी देख सकते हैं तो इसको स्पेशली आप पैरेलल में देखिए पैरेलल में ही कम रेजिस्टेंस आएगी सीरीज़ में ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है तो राइट आंसर वन अपॉन्ट ट्वेंटी फाइव ओहम बन जाएगा नेक्स्ट हमारे पास विच लेंस इज यूज बाई द वॉच मेकर तो वॉच मेकर आपके पास कन्वैक्स लेंस यहाँ पे यूज़ करते हैं सो कन्वैक्स इज द राइट आंसर द रेशो ऑफ किलो वाट आवर टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उनकी रेशियो होती है टू पॉइंट टू फाइव इन टू टू पावर नाइनटीन द इंडक्शन फर्नेस वर्क कौन तो ये तो मैंने अभी कहा था इंडक्शन जो फर्नेस होती है आपके पास वो आपके पास वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज कॉल्ड एडिक्रंट के ऊपर ये वर्क करती है ओके एडिक्रंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द फारेस्ट पॉइंट इज एट तो ह्यूमन आई का सबसे लंबा जो अगर फॉरेस्ट की बात करें तो इनफानाइट हमारे पास होगा ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी डी के द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज एमिटेड बिकाउज देखिए अल्फ़ा बीटा गामा तीन निकलेंगे अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज बीटा नेगेटिव चार्ज और जो गामा होता है वो न्यूट्रल होता है तो बीटा इमिशन इज द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास ओजोन लेयर ब्लॉक द रेडिएशन ऑफ विच वेव तो ओजोन कम से कम होनी चाहिए आपके पास थ्री इंटू टेन पावर सेवन से कम इससे कम होगी तो वो से आपके पास रोक देगा नेक्स्ट है हमारे पास अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज कम्बाइंड विद द कंकेब लेंस ऑफ फोकल लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर द पावर ऑफ द कम्बिनेशन इज माइनस वन पॉइंट फाइव डी नेक्स्ट है हमारे पास मर्करी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर मैक्सिमम अप टू तो मैक्सिमम टेम्परेचर थ्री सिक्सटी तक वो मेजर कर सकता है तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली बात करें तो थ्री फिफ्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर नेक्स्ट है यंगस्ट मॉडलर्स ऑफ वायर तो हमेशा याद रखिए यंगस्ट मॉडलर्स लेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है वो सिर्फ आपके पास यानी डायमेंशन के इंडिपेंडेंट होता है वो डिपेंड करेगा मटीरियल के ऊपर नेचर ऑफ द मटीरियल यानी इट्स मटीरियल के ऊपर वाटर वेव आर तो वाटर वेव कम्बाइंड होती है लॉन्गिट्यूडनल एंड अप ट्रांसवर्स वेव की सॉलिड आर हीटेड बाई द मोड ऑफ तो सॉलिड कंडक्शन के थ्रू आपके पास हीट होते हैं ओके कंडक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी तो अगर आप देखो तो जो रिंग होती है उसका मास बाहर होगा ओके okay? उसके अंदर नहीं होगा सेंटर ऑफ बाहर होगा हाइट ऑफ जियो स्टेशन सेटेलाइट इज अप्रॉक्सिमेटली थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर हर एक क्वेश्चन करवाया है हर एक क्वेश्चन तकरीबन ट्वेंटी एट क्वेश्चन तो वो हैं जो मैंने करवाए हैं ऑलरेडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच तो डी इज द राइट आंसर ओके हाइग्रोमीटर हो गया यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट तो फोर डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो आप खुद देख लिया होगा जिन्होंने पेपर दिया है वो मुझे एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि स्पेशली जो कोर्स वाले स्टूडेंट हैं वो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कोर्स कैसा लगा आई थिंक हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मैं मान सकता हूँ क्योंकि वही चीज़ें हैं जो हमने करवाई है इससे आसान पेपर कभी नहीं आ सकता एकदम वही क्वेश्चन है मैं कहूँ तो आपका जो पी होगा वही आपके तकरीबन सेवेंटी टू एटी मार्क्स कवर कर देगा ओके सो so चलिए इसके बाद साइकोलॉजी की हम आपके लिए आंसर के लेके आएंगे तब तक के लिए थैंक यू हैव नाइस डे